ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। नताशा में एक बैलेंस है जो करण के लिए अच्छा होगा, और फिर स्मिता, सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका जो काम है, उनकी जो जानकारी है, वो हम दहेज में मांग लेंगे। स्मिता तो हमारी बचपन की सहेली है, हमारी मदद हमेशा करेंगी, लेकिन हमें चिंता एक दूसरी बात की हो रही है। क्या? आजकल करण को लेके मीडिया में कितना शोर शराबा है, नताशा पता नहीं मानेगी या नहीं। प्रियम, नताशा करण को बचपन से जानती है, मेरे ख्याल से वो बहुत समझदार है, बाहर पली बड़ी है, इन मामलों के बारे में शायद वो हमसे बेहतर जानती होगी। और करण, वो मानेगा या नहीं? मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी तरह एक आम आदमी के साथ शादी करके जिंदगी भर सड़ती रहे। हो सकता है आगे जाके करण सीएम बन जाए, कुछ भी हो सकता है। सपने देखना छोड़ दो, मैं अपनी बेटी के सारे सपने पूरे करूंगी, करण से ही उसकी शादी होगी, और फिर आप देख लीजिएगा, रानी बनेगी मेरी बेटी, रानी। चले चलो। ए, अंदर है क्या? अबे तू पागल है क्या? क्यों अपनी मौत को दावा दे रहा है? कर, चलो, लेट्स गो। ए, समझता क्या अपने आपको? हाँ, से सॉरी। सॉरी माय फुट। करण, करण भी, देखिए भाई साहब आप बात क्यों बढ़ा रहे? कोई जान बूझ के तो टकराता नहीं। देखो मैडम, हमें पता है कौन कैसे टकराता है, सॉरी तो इसको आज बोलना ही पड़ेगा। बच्चों मेरी बात मान लो, अच्छे घर के लड़के लग रहे हो, जा अपने घर जाओ, दूध पियो। गुड नाइट। ए, दूध तो तुझे आज हम पिलाएंगे। हाँ, तू मुझे दूध पिलाएगा? हाँ। चलो घर, चलो घर।